हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग डेसिमल एंड फ्रैक्शंस के लेक्चर नंबर 2 स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने एग्जांपल नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था, अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो बच्चे अभी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे वो लेक्चर नंबर 1 को देख ले, क्योंकि हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था डेसिमल एंड फ्रैक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं, और बिल्कुल ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। लगभग सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगला जो हमें पॉइंट जानना है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि डेट इज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें कह रहा है कि ये जो फंक्शन दिया गया है, ये जो फ्रैक्शन दिया गया है, क्या फ्रैक्शन आपका है 4/5 और क्या है 5/6 और आपका दिया गया है 6/7। ये फ्रैक्शन है, आपको बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो ट्रिक कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपको स्मॉल से ग्रेटर पे जाना है, छोटे से बड़े पे जाना है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि सबसे छोटा कौन है। हमने ट्रिक बताया था पहली वाली क्लास में कि इसको पता करने के हमारे पास थ्री तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो ट्रिकी अप्रोच है वो क्या है कि आप इसको क्रॉस कीजिए 6/4 = 24, 5/5 = 25। तो पहले 24 है, बाद में 25, मतलब ये आपका छोटा है इन दोनों में। अब इसको और इसको देखो 7/4 = 28, 5/6 = 30, तो अभी भी 28 क्या है छोटा, यानी 4/5 सबसे छोटा है। तो इसको हमने क्या मान लिया फर्स्ट, ये सबसे छोटा है। अब इन दोनों में देखेंगे 5/7 = 35, 6/6 = 36, तो ये इन दोनों में ये छोटा है, तो ये सेकेंड में आ जाएगा और ये थर्ड में आ जाएगा। तो आप सिंपल सेम लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आ गया, पहले फर्स्ट लिखा सबसे छोटा 4/5 आ गया, फिर इससे थोड़ा बड़ा 5/6 आ गया, फिर आपका 6/7 आ गया। तो ये ट्रिकी अप्रोच है, कोई भी क्वेश्चन होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या आपसे बोला जाए ग्रेटेस्ट नंबर बताइए या आपसे बोला जाए स्मॉलेस्ट बताइए, आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो, राइट। दूसरा ट्रिक होता है कि आप इसको क्या करो, इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद क्या होता है, जैसे 5/6 = 30, 37 = 210। अगर इसका हम दूसरा मेथड बता रहे हैं, ध्यान दो, सेकेंड मेथड में आप देखो, फर्स्ट मेथड क्लियर है, एक बार दोबारा देख लो। फर्स्ट मेथड में ये बताया गया कि जो भी दिया गया है फ्रैक्शन आप इसको क्रॉस करेंगे तो 6/4 = 24, 5/5 = 24। तो आप देखो 24, 25 में कौन छोटा है 24, तो फर्स्ट वाला आपका छोटा हो गया। अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो, 7/4 = 28, 6/5 = 30, 28 छोटा यानी 4/5 आपका लेस है, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ गया सबसे छोटा। अब इन दोनों में आप देखोगे 7/5 = 35 है, 6/6 = 36, तो 35 लेस है, तो ये आ जाएगा सेकेंड पे, ये आ जाएगा थर्ड पे, आपने अरेंज कर दिया, राइट। अब चलो आपको दिखाते हैं इसका दूसरा मेथड। दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, और सेकेंड मेथड क्या है, जैसे आपको दे रखा है 4/5 और 5/6 एंड 6/7। तो रूल कहता है कि सबसे पहले आप क्या करो, एलसीएम ऑफ 5, 6 एंड 7 का एलसीएम निकालो। तो हर बच्चा जानता है 6/5 = 30, 7 क्या आ जाएगा 200 है। अब क्या करेंगे, 4/5 है तो 5 से एलसीएम को डिवाइड करोगे, 5/4 = 20, 5 to 42 आएगा, तो 4 × में आपका आ जाएगा 42 और ये आ जाएगा 5 × में 42, तो 4 × 2 = 8, 4/4 = 16 आ गया, 5 × 2 = 10, 5/4 = 20, 21। इसी तरह से दूसरा नंबर आप लोगे 5/6। अब आप देखोगे कि यहाँ 6 से अगर डिवाइड करोगे 6 × 3 = 18, 3 बचेगा, 6/5 = 35 बचेगा, यानी 5 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 35 से और 6 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 35 से, तो ये आ जाएगा 5/5 = 25, 5/3 = 15 to 17, और इसको करोगे 6/5 = 30, 6/3 = 18 और 3 = 21। फिर आपके पास अगला पॉइंट क्या है, 6/7, 6/7 है तो फिर 7 से डिवाइड करो एलसीएम को, 7/3 = 20, 30 आ गया, तो 6 × में आपका क्या आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 7 × में 30, तो आपने क्या देखा 180/ में क्या आ जाएगा 210। अब आप देखो ये 168 है, 210 तो सबके नीचे, तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही आपका राइट आंसर है। तो
तो आप देखेंगे 168 सबसे छोटा, तो ये सबसे फर्स्ट डालेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो छोटे को पहले लेना है, इसके बाद ये नंबर आएगा, फिर ये नंबर आएगा। तो आप देखोगे फर्स्ट किसका है 4/5 का, आपने लिख दिया 4/5, फिर आपने देखा 175 किसका है 5/6 का, आपने लिख दिया 5/6, फिर आपने देखा 6/7 किस 180 किसका है 6/6 वाला, तो आपका राइट आंसर आ गया। तो ये था आपका दूसरा मेथड। तीसरा मेथड भी हमारे पास है, ध्यान दो। थर्ड मेथड क्या है, तीसरे मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड मेथड कहता है कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे आपका 4/5, आपका 5/6 और 6/7, आप इसको डेसिमल में बदल लें। डेसिमल बदलना बच्चे को हम सिखा चुके हैं, आपने फर्स्ट लेक्चर में सीख चुके हैं, नहीं आता है तो दोबारा देखो, 5 से 4 को डिवाइड करना, तो पहले पॉइंट आ जाएगा तो ये 40 आ जाएगा, 5/8 = 40, यानी ये 0.8 आ गया। अब इसी तरह से 5/6 है तो 5 छोटा है तो पॉइंट डालोगे ये 50 हो जाएगा, 6/8 = 48, 2 = 20, 6/3 = 18, और इसी तरह से आप इसको देखेंगे पॉइंट डालोगे तो ये 60 हो जाएगा, 7/8 = 56, 4 = 75। अब देखो 0.8 का मतलब हो गया 80 लिख सकते हो, 0.83 है और 0.85, तो सबसे छोटा कौन है 0.80, फिर इसके बाद 0.83, फिर इसके बाद 0.85, तो आपको इंक्रीजिंग लिखना है, तो 0.80 किसका 4/5 का आपने लिख दिया, 0.83 किसका 5/6 का आपने लिख दिया, और 0.85 किसका है 6/7 का आपने लिख दिया। तो ये था आपका, कोई भी क्वेश्चन आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट, तो आप तीनों तरीकों में से जो आपको इजी लगता है यूज कर सकते हो। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, जो हमने फर्स्ट मेथड बताया है क्रॉस वाला, लेकिन कभी कभी जब बड़े नंबर होते हैं तो वहां पे क्रॉस करने में भी आपको दिक्कत आ सकती है, तो आप वहां पे डेसिमल का यूज कर सकते हो। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे और आपका माइंड ऑफ प्रेजेंस यूज होगा, जहां पे आपको इजी जो मेथड लगता है आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 11, जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ 12th लेते हैं, 12th में भी आप देखेंगे कि जो हमें बताया जा रहा है क्या कह रहा है कि बताइए विच ऑफ द फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट अमंग, इस कौन सा फ्रैक्शन इसमें लार्जेस्ट है, यानी सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन के लिए भी आप देखोगे कि सब वही ट्रिक यूज होगा जो भी बताया है। आपने देखा 11 2 = 22, 5 5 = 25, यानी 22 25 है, यानी 5/11 ग्रेटर। अब इन दोनों में आप देखोगे 17 5 = 85, 11 8 = 88, तो बाद वाला 88 ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8 × 23, 8 3 = 24, और 8 2 = 16, और 2 आ जाएगा 18, इसका आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 7 = 77 होगा, 11 = 11 और 7 80 187। अब आप देखेंगे कि 184 तो छोटा है, 187 यानी सबसे बड़ा नंबर क्या आ गया 11/23। तो देखो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, 11/23 इज लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ गिवन फंक्शन। तो ये ट्रिक है, और दूसरा ट्रिक सेम है, जैसे पॉइंट वाला समझाया था, इसको डेसिमल में डिवाइड कर दो तो पॉइंट में आ जाएगा, या आप एलसीएम हो, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आप देखोगे ये बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, देखो क्या ट्रिक है, ये ट्रिक को याद रखना है, इस ट्रिक के बेस पर इसको हम दोनों तरीके से बताएंगे, बेसिक से भी और ट्रिक से भी। ट्रिक क्या कह रहा है, ध्यान दो कि इफ इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय, किसी भी नंबर को अगर आप ए बी से करो, एनी नंबर डिवाइडेड बाय ए बी इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय ए बाय, यानी ए बाय बी से मल्टीप्लाई करने के बजाय आपने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कह रहा है इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय ए बी इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय ए बी, ए बाई ए बी से मल्टीप्लाई करने की जगह हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ए बाई बी से, देन ऑब्टेन, देन द रिजल्ट ऑब्टेन विल बी एक्स ग्रेटर देन द ओरिजिनल वैल्यू, तो जो आपकी वैल्यू आई वो ओरिजिनल से एक्स ग्रेटर है, एंड द गिवन नंबर, तो जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या होगा, तो आपका ये फॉर्मूला ए बी एक्स, यानी ए बाई बी है न्यूमिरेटर एंड ये डोमिनेटर,
एनुमिरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और मल्टीप्लाई में जितना ग्रेटर है, तो ए बी एक्स आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो इसी ट्रिक के ऊपर पे ये क्वेश्चन आपका है कि अरुण वाज टू फाइंड 6/7 ऑफ ए फ्रैक्शन, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग डिवाइडेड द फ्रैक्शन ऑफ बाय 6/7 एंड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय 13/70 ग्रेटर देन ओरिजिनल, फाइंड द फ्रैक्शन। तो जैसे ही आपने देखा तो ये 6/7 का मतलब क्या है, ए बाई बी, तो ए आपका क्या आ गया 6, बी आ गया आपका 7, और कितना ज्यादा इंक्रीज होता है, कह रहा है इतना ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है 13/70, तो ये आपका एक्स होगा। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन का फॉर्मूला सीखा आपने, ए बी एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए 6 है, बी आपका 7 है और एक्स 13/70, नीचे आपका आ गया 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 7 से आपने इसको काट दिया तो 10 आ गया, तो 6 × 13 ऊपर है, ये 10 आपका नीचे आ गया, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और माइनस में 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो घटाओगे तो 9 से 13 आ जाएगा। अब ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, तो राइट आंसर क्या आ गया आपका 3/5। तो बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच है कि कभी भी किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि हमने बोला था इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ए बाई बी से, लेकिन उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इससे मतलब क्या रिजल्ट आया कि जो रिजल्ट करा देन द ऑब्टेन रिजल्ट विल बी अकरेंट नंबर डिवाइडेड बाय ए बाय बी इंस्टेड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग की जगह आपने डिवाइड कर दिया तो उसका जो रिजल्ट है ओरिजिनल से क्या है एक्स ग्रेटर आ गया, तो बताओ वो नंबर क्या। तो ट्रिक क्या कहता है, ए बी एक्स अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली बना सकते हो, तो आप ट्रिक को नोट कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में आप देखोगे हमारा जो क्वेश्चन है ये फास्ट ट्रैक क्वेश्चन है, अब ये सारे जो पॉइंट हमने लेक्चर वन में आपको सिखा चुके हैं बेसिक, इसी के ऊपर भी ये सारे अब क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे आप देखोगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कन्वर्ट दिस इनटू अ वल्गर फ्रैक्शन, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, वल्गर फ्रैक्शन। तो वल्गर फ्रैक्शन का मतलब होता है सिंपल फ्रैक्शन या वल्गर फ्रैक्शन, तो 0.34 है, तो 0.34 को आप क्या लिख सकते हो, आपको बताया गया है ये पॉइंट को छोड़ देना है तो 0.34 आएगा, तो ये आपने 34 लिख दिया, पॉइंट के बाद पॉइंट का बदला 1 होता है और जितने डिजिट है उतने 0 लगा, तो 34/100 आपका आंसर, अगर ये कैंसिल होता है तो इसको काट दो तो ये आ जाएगा आपका 17/50, तो 17/50 आपका आंसर बिल्कुल राइट। इसी तरह से आप देखोगे सेकेंड नंबर में आपको दिया गया है फाइंड द सम 3/10 + 5/100 + 8/1000 इन द डेसिमल फॉर्म। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है 3/10 का मतलब होता है 0, यानी कि आपने अगर इसको लिखना है कि 3/10 को आप क्या लिख सकते हो, तो एक के बाद पॉइंट है 0.3। इसी तरह प्लस में 5/100 का मतलब क्या है 0.05, और 8/1000 का मतलब क्या है 3 0, तो 3 के बाद पॉइंट लगाना है तो 0.008। अब इसको ऐड करने का तरीका, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ 2 है तो आप अपनी मर्जी से 10 लगा दो, यहाँ भी 20 लगा। अब इसको ऐड करना बिल्कुल आसान है, आपने देखा 8 का 8 आ जाएगा आपका 0 5, और ये 5, तो ये फिर 5 आ जाएगा, फिर आपने देखा यहाँ क्या 3, तो 0.0, तो आंसर क्या आ गया 0.358, बी आंसर राइट। कई बार बच्चे ऐसे भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को कि आपने देखा 10, 100, 1000 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, तो ये 10 है तो 10 से डिवाइड करोगे 100 आएगा, तो 100 3 जा क्या होता है 300, 100 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, तो 10 5 जा क्या होता है 50, फिर प्लस में 1000 को 1000 से डिवाइड 1 आएगा तो ये आ जाएगा 8। आप इसको क्या लिख सकते हो 3/5/8/1000। अब 3 0 3 के बाद पॉइंट आएगा तो 1 2 3, यानी आपने पॉइंट लगा दिया 0.358, आपका आंसर बिल्कुल राइट। तो आप इस तरह से दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चेंज दिस इनटू डेसिमल, इसमें कलम छूने की जरूरत नहीं है, 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट आएगा तो पॉइंट यहां आ जाएगा, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा 0.75, राइट आंसर क्या आ गया 0.75।
इसके बाद फोर्थ में क्या रहा, स्पेस दीज एज ए वल्गर फ्रैक्शन, इसको भी सिंपल फ्रैक्शन में लाना है। तो आप जानते हो कि 0.5 का ये क्या है, बार। बार का मतलब क्या होता है, रिपीटेड नंबर। यहाँ पे नंबर्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो रूल से में पॉइंट को बोल जाओ 0.5, मतलब 5 लिख दिया। अब एक ही डिजिट पे बार है तो जितने पे बार होगा उतनी 9, तो 5/9 आपका राइट आंसर है जो दिया गया है सी ऑप्शन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली जो है आप बना सकते हो। और जो बच्चे अभी तक लेक्चर 1 इसका नहीं देखे वो लेक्चर 1 को देख लो, क्योंकि इसमें हमने सारे पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर किया है। अगर पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आपके फटाफट अपने आप बनेंगे। अब देखो जैसे ये है 5th पॉइंट, कह रहा है कन्वर्ट इंटू वल्गर। फिर आपने देखा कि कन्वर्ट इंटू वल्गर यानी सिंपल में बताना है, 0.27 ओनली 7 पे बार। ट्रिक कहता है पॉइंट को भूल जाओ, तो 0.27 आ जाएगा, तो 0 लिखने की जरूरत है 27। अब कह रहा है जिसपे बार नहीं है, जिसपे बार नहीं उसको लेस करो, -2 अपॉन जितने डिजिट पे आपको बार दिया गया उतनी 9 लिखो। एक ही डिजिट पे बार है तो 9 लिखा, और इस पे बार नहीं है तो इसका बदला क्या आ जाएगा, 0। तो आपका जवाब क्या आ गया, 25 अपॉन में 90। अगर ये कैंसिल होता है तो काट दो, 5 5 25 है और ये आ गया 80। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5/80। तो 5/18 ए ऑप्शन आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं। इसी तरह से आप देखोगे छठे पॉइंट में क्या कह रहा है हमें, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इन वल्गर फ्रैक्शन। यहाँ भी हमारा क्वेश्चन वही है लेकिन डिफरेंट है, 9.4677 पे बार। ट्रिक कहता है कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो पॉइंट से पहले आप इसको लिखिए और पॉइंट का बदला यहाँ प्लस लगाओ। जो नंबर दिया है 467, माइनस करो उस नंबर को जो रिपीट नहीं है, तो माइनस में आ जाएगा 46। रिपीट जो नंबर है उसके बदले में 9 लिखो, जो रिपीट नहीं है उसके बदले में 0 लिखो। तो क्या मिलेगा, 9 प्लस इसको लेस करोगे, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 4 गया 2, ये आ जाएगा 421 अपॉन में 900। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 9 कंप्लीट है तो 9 and 421 अपॉन में क्या आ गया आपका 900। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है 9 and 421 by 900, बिल्कुल ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन ना हो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 9 80 100, और इसमें जोड़ दो तो भी आपका जवाब करेक्ट होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो जो बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह से इसको अगर आप देखोगे तो बिल्कुल इजिली आपको समझ में आएगा। और इस क्लास में पूरी तरह से अटेंशन लेकर पूरी क्लास को देखो, जब पूरी क्लास आप चेक करोगे तभी आपको सारे बेसिक पॉइंट्स भी मिलेंगे और अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो कंप्लीट करने के बाद दुनिया के किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा लोगे आप, जिस भी एग्जाम को आप दे रहे हो, और उसके क्वेश्चन पेपर में कभी ना कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को आप बनाओगे आपसे बिल्कुल इजीली बनेगा। इसलिए पूरे क्वेश्चन को देखना जरूरी है। जो बिल्कुल नए हो हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की जो नए क्लासेस डेली क्लास हम लेते हैं तो आपकी वीडियोज आपको लगातार मिलती रहे। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने 7th कौन सा किया, अभी हमने अभी 6 किया है। तो चलो पहले 7th क्वेश्चन को यहीं पे देख लेते हैं। तो 7th क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है के 0.8268, और ये बार दिया गया है 68 पर। तो आप देखोगे कि पॉइंट को हमें हटाना है तो ये आ जाएगा 8268, माइनस में जिसपे बार नहीं है उसको लेस करना है, और नीचे जितने डिजिट पे बार है उतनी 9 लिख दो, जिसपे बार नहीं उसका बदला 0। तो 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा, 6 में से 8 गया तो 8 आ जाएगा, 6 में से 8 गया तो 16 में से 8 गया 8 आ गया, ये आपका 1 बच जाएगा, 8186 अपॉन में क्या आ जाएगा 900। अब आप देखो कि अगर ये कटता है तो इसको काट सकते हो, तो अगर इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा, 2 4 8 एक चला जाएगा, 2 5 10 राइट। इसको काटोगे तो क्या आएगा, 2 4 8 0, 2 9 10, 2 3 4 0 9 3 अपॉन 4 5 4 9 5 0, ये 9900 था। 2 4 8
2 4 8 2 9 18 तो 4950। तो आप देखोगे, चलो इसको दोबारा दिखा देते हैं आपको। तो हमने काटा है कितने से, 2 से काटा है, तो 2 से अगर आप काटोगे तो 2 4 8 आ जाएगा, 1 जाएगा 19, 2 9 19, 2 4 9 50। तो 4950 है और ऊपर 4093, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। चलो इसके आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, अभी अभी जो सिखाया था हमने, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमेशा याद रखो, एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग अगर रहेगा और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, यानी कि असेंडिंग का मतलब क्या, बढ़ते, सबसे पहले क्या लेना, छोटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप देखोगे, चेक करोगे कि सबसे छोटा कौन है। ट्रिक क्या समझाया, 7 3 21, 12 2 24, तो 21 छोटा हो गया। अब इसमें और इसमें चेक करो, 8 7 56, 12 3 36, तो 36 छोटा, यानी ये सबसे छोटा है, तो ये सबसे पहले आएगा। अब इन दोनों में देखेंगे, 7 3 21 है, 12 2 24 है, तो ये छोटा है, तो ये सेकेंड में आ जाएगा और ये थर्ड में। तो पहले लिखोगे 3/8, इसके बाद आएगा 7/12, फिर आएगा 2/3। तो आपका आंसर क्या आ गया, ए आंसर ही करेक्ट। इसी तरह से आप देखोगे नाइन्थ में, अरेंज इन डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप देखोगे 7 8 56, डिक्रीजिंग का मतलब सबसे पहले आपको ग्रेटर देना है, 7 8 56, 9 5 45, तो 56 बड़ा है, ये बड़ा है। अब इसमें देखोगे फर्स्ट लास्ट में, 7 7 49, 9 3 26, तो भी तो ये सबसे बड़ा है, तो ये आएगा सबसे फर्स्ट। अब इन दोनों को देखो, 5 7 35, 8 3 24, इसके बाद यही नंबर है और ये तो बिल्कुल सेम आ गया। पहले 7/9 आएगा, फिर 5/8 आएगा, फिर 3/7, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, नाइन्थ का आंसर भी क्या आ गया, ए ऑप्शन। अब टेंथ में देखोगे, कह रहा आउट ऑफ दिस फ्रैक्शन विच इज द थर्ड हाईएस्ट, यानी थर्ड हाईएस्ट क्या, तो आप इसको भी अरेंज करो। सबसे पहले देखो सबसे ग्रेटेस्ट कौन, तो 13 5 65, 7 7 14, ये वाला पहला बड़ा है। अब इसको देखो, 7 5 35, 7 7 49, तो ये बड़ा हो गया। अब इसमें देखो, 15 4 60, 7 4 28, तो पहला बड़ा, ये ग्रेटर हो गया। अब इसमें देखोगे 14 4 56, 9 7 60, तो ये सबसे बड़ा। अब इसमें चेक करना है हमें, तो इसमें आपने देखा कि 13 5 65, 7 7 49, ये ग्रेटर है, 5 7 35, 7 7 49, तो ये ग्रेटर है। इसमें देखो 15 4 60, 7 4 ये ग्रेटर, ये क्या जाएगा, दूसरे नंबर पे। अब इन तीनों में देखो कौन बड़ा है, तो 13 5 65, ये बड़ा है इसमें। अब इसमें देखोगे तो ये आ जाएगा 15 5 75, 7 4 28, थर्ड ग्रेटेस्ट बोला गया है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 5/7, तो 5/7 आपका आंसर बिल्कुल राइट। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल मुजवानी स्ट्रिक का यूज कर सकते हो। तो ये था आपका 10th क्वेश्चन। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिखा रहा है आपका 11th क्वेश्चन में, आप देखोगे काफी ट्रिकी अप्रोच, सेम क्वेश्चन है, आउट ऑफ फ्रैक्शन दिस विच इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब यहाँ छोटे की बात कर रहा है, तो सबसे छोटा चेक करो, 13 4 52, 7 5 35, ये छोटा है, 11 5 55, 36 78, ये छोटा है, 5 5 25, 13 3 39, ये छोटा है, 5 3 15, 32, ये सबसे छोटा, इसको आपने फर्स्ट नंबर में डाल दिया, आपको सेकेंड स्मॉलेस्ट बोला गया। अब आप इसको चेक करो, 11 4 44, 7 6 42, ये छोटा है, 6 5 30, 11 3 33, ये छोटा है, 6 3 18, 11 2 ये छोटा, तो सेकेंड छोटा क्या आ गया, 6/11, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 6/11, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था आपका 11th क्वेश्चन। चलो वैसे क्वेश्चन दिखाते हैं जहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। अब जैसे आप देखोगे,
हम लेते हैं 25 क्वेश्चन। अब आप देखो ये 25 जो क्वेश्चन हमारा है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्या कह रहा है हमें कि डेट इज, इस क्वेश्चन में आप देखोगे अगर ध्यान से तो आपको कह रहा है कि डेट इज 0.47। क्या है इसमें? 0.4777 रिपीट हो रहा। तो ट्रिक कहता है कि इसको आप लिख सकते हो 0.47 का। अब अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपका 47-4। नीचे एक डिजिट पे बार है तो उसका 9 आ जाएगा, इस पे बार नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका? 43/90। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन 43/90 आपका आंसर बिल्कुल राइट। यहाँ भी देखोगे जैसे ये क्वेश्चन इस तरह पूछा गया, तो ट्रिक क्या कहता है कि पहले तो आप देखो इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो आप इसमें 2-0 लगा दो। यहाँ 2-0 है, यहाँ 1 है तो 1-0 लगा दो। यहाँ भी 2 है, यहाँ नहीं है तो पॉइंट के बाद 2-0 लगा दो। अब इसको ऐड करना है तो आप सिंपल मिस्टेक ना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 पॉइंट आ गया आपका 44, फिर आपके पास है 44, पॉइंट में आ गया आपका 40, फिर आपके पास है 4 पॉइंट तो 4 आप ऐसे लिखोगे 4.04, फिर आपके पास है 444 तो आप ऐसे लिखोगे, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है। इसको ऐड कर दोगे तो 8 आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ 1, 2, 3, 4 तो 4, 5 है, 4, 4, 8, 8, 4, 12, 12, 4, 16, 16 आ गया, 16 और 4, 20 का 0 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा आपका 2। तो 4 और 2, 6 और 6 और 4 क्या हो जाएगा? 10। और ये आ जाएगा आपका कितना? 5। तो 500 पॉइंट में आपका क्या आ गया? 88। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? सी। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें कि बच्चे ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ भी कह रहा है 0.142857 का बार है और 0.28514 का बार है। आप इसको सिंपली ऐड करो तो क्या आएगा? 7, 4, 11 आ जाएगा, कैरी हो जाएगा 1, 1 और 1, 2, 2 और 5 क्या जाएगा? 7। फिर आप देखोगे 7 और 8 क्या जाएगा? 15। 7, 8, 15 आप इसको ऐसे लिख लो 0.142857 और दूसरा क्या है 0.285714। इसको ऐड करोगे 11 आ जाएगा, 5, 6, 7 आ जाएगा, 8, 7, 15 आ जाएगा, 5, 2, 7, 8 आ जाएगा, 8, 4, 12 आ जाएगा, 2, 1, 3 और ये 4 आ जाएगा, 0.428571। इसके ऊपर में क्या लगा देंगे? बार। अब यहाँ पे अगर ये प्लस था या डिवाइड था, अगर ये डिवाइड था तो सिंपल तरीका यही कहता था यहाँ पे ये डिवाइड है। तो अगर ये डिवाइड था तो आपने देखा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1, 4, 2, 8, 5, 7 और इसके नीचे आ जाएगा कितना? तो 3 और 6, ये 3, 9 आ गया। और डिवाइड में आप देखोगे ये आपका है 2, 8, 5, 7, 1, 4 और इसके भी नीचे आ जाएगा सेम 4 times 9। अब आप देखोगे कि अगर आप इसको लिखोगे 4, 2, 8, 5, 7 अपॉन में आ जाएगा 4 times 9 इनटू में आ जाएगा 4 times 9 और नीचे आ जाएगा आपका 2, 8, 5, 7, 1, 4। तो ये कैंसिल है। अब आप देखोगे 2, 7, 4, 1, 4, 2, 8, 5, 7 है और यहाँ पे आपका नीचे दिया गया 2, 8, 5, 7, 1, 4। तो आप देखोगे कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 3 से करोगे 3, 4 जा 12, 3, 4 जा क्या आ जाएगा? 2, 8, 5, 7 और 2 से करोगे तब भी नहीं आएगा, लास्ट में ये 5 से। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? नन ऑफ दी। इसी तरह से आप देखोगे कि कोई भी हमारा क्वेश्चन होगा, जैसे ये 28 क्वेश्चन कह रहा है कि दिस कन्वर्टेड टू द फ्रैक्शन टू फाइंड रिजल्ट। यहाँ देखो 25 लिखा हुआ तो 25 का बार बन जाएगा 25/99, आपका राइट आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ध्यान दो, 30 क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये दिया गया तुम्हें 0.3 बार, 0.6 बार, 0.7 बार, 0.8 बार।
तो सबके नीचे बार है तो ये क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, प्लस में सिक्स आ जाएगा, प्लस में सेवन, प्लस एट, और सबके नीचे क्या आ जाएगा, नाइन। तो एट और सेवन हो गया 15, 15 में सिक्स जीरो, 21, 3, 27। तो 27 अपॉन 9 आ जाएगा, तो 9 3 जा क्या होता है 27। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, 0.3 है, 0.6 है, 0.7 है, 0.8 है। तो आप देखोगे 8 और 7 15, 15 और 6 आ गया आपका 21, 21 और 3 क्या आएगा 24, 8, 7, 15, 15 और 6, 21, 24, 24 अपॉन में 9 आ गया। इसको काटोगे 3, 3 जा 3, 8 जा, ये आ जाएगा 3, 2 जा 6, 2 बचे 2 एंड 2 बाई 3। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। इसी तरह से क्वेश्चन 31 है, ट्रिकी अप्रोच क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो रूल याद रखो, ये 99 है, ये भी 99 है, ये भी 99 है, ये भी 99 है और ये भी 99। तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आ जाएगा 999 इंटू में क्या आ जाएगा हमारा 5, और प्लस में 1 + 2 = 3, + 3 = 6, 6 + 4 = 10 और + 5 क्या आ जाएगा 15। तो ये आ जाएगा आपका 15 अपॉन में 7, तो ये हमारा आ जाएगा 15 अपॉन में 7, तो ये आ जाएगा 5 9 = 45, 5 9 = 45 और 4 = 49, 5 9 = 45 हो गया, कैरी 4 है, 5 9 = 45 और 4 हो जाएगा 49, 5 9 = 45, 4 = 49, प्लस में आ जाएगा 7 2 = 14, 2 and 1/7, तो 2 आप इसमें ऐड कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 4 9 9 7 and 1/7। तो आप देखोगे कैसा कोई ऑप्शन आ रहा है 4 9 9 7 and 1/7, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे मिस्टेक कर रखा, ये 9 को नहीं लिया है। तो चलो दोबारा से इसको चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को। 31 में आप देखोगे कि हमारे पास जो है 999 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो ये आ जाएगा 999 into में 6 प्लस 1 में 2 जीरो 3, 3 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, तो प्लस में आ जाएगा 21 अपॉन 7, इससे कैंसिल कर सकते हो 3, तो 6 9 जा 54, कैरी हो जाएगा 5, 6 9 जा 54 में 5 जीरो के 59, कैरी 5, 6 9 जा 54 में 5 जीरो के तो 59, प्लस में आपका आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 5 9 9 7। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन, यही आंसर राइट है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको दिखाते हैं और भी ट्रिकी क्वेश्चंस जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये सारा क्वेश्चन हम करा चुके हैं, अब आगे आते हैं, ध्यान दो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक करते हैं, ध्यान दो। हमें कह रहा है कि ये दिया गया आपको रूट के फॉर्म में, क्या कह रहा है हमें कि डेट इज द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द नंबर्स, इस नंबर्स में ग्रेटेस्ट क्या है। जैसे आपको दिया गया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4th root of 2, यहाँ दिया गया है 5th root of 3, यहाँ दिया गया है 10th root of 6, और क्या दिया गया है 28th root of 50। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे स्मार्ट तरीका क्या है, पहले आप निकालो LCM of 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 20, 4, 5, 10 and 20, इसका आप LCM निकालो। LCM निकालना जान चुके हो, 2 2 = 4 आ जाएगा, 5 है, 2 5 = 10, ये आपका 10 आ गया। फिर आप इसको पहले 2 से दे दो तो ये 1 आ जाएगा, 5 लिख दिया 5 आ गया। अब इसको 5 से दोगे तो ये कैंसिल, तो क्या है 2 2 = 4 5 = 20, इसका जो LCM है वो क्या आ गया 20। अब रूल क्या कहता है कि जैसे पहला है, पहला आपका है 4th root of 2, इसको ये 20 लिख दिया, अब ये आ जाएगा 20 है, तो 20 है 4 5 = 20, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 28, 2 का 5 क्या होता है 2 का 4 16, ये आ जाएगा आपका 32। इसी तरह आप देखोगे दैट इज 5th root of 3, इसको भी हम लिख देंगे 20
तो ये आता है 5 4 20, तो 3 का क्या आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 20, 3 का 4 क्या होता है 81। फिर आप देखोगे टेंथ रूट ऑफ 6 है, तो 10 को भी आप 20 बनाओगे, 10 2 20, तो 6 का क्या आ जाएगा 2, तो 28th रूट ऑफ क्या आ जाएगा 36। फिर आप देखोगे ये दे रखा है आपका 28th रूट ऑफ 15, तो ये ऐसे ही रहेगा, अब इसको टाइट ले देंगे 28th रूट ऑफ 15। अब आपसे पूछा क्या था ग्रेटेस्ट, तो आप देखो सबके अंदर 28th, ये 32 81, सबसे ग्रेटेस्ट 81 है, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 5th रूट ऑफ 3, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया सी इज राइट आंसर। तो दोबारा ध्यान दो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको 4th रूट ऑफ 2, 5th रूट ऑफ 3, 10th रूट ऑफ 6, 20th रूट ऑफ 15 और पूछा जाए कि इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, या आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अभी बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर को बोलते हैं असेंडिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर को बोलते हैं डिसेंडिंग, या हिंदी में इंक्रीजिंग को क्या बोलते हैं आरोही, और डिक्रीजिंग को बोलते हैं अवरोही, तो आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन, ट्रिक क्या कहता है कि जो आपका यहाँ पावर है 4th है 5th है 10th है और 20 है, आप इसका एलसीएम निकाल, अब सबके अंदर क्या करो, जैसे पहले का 4 था तो 4 से एलसीएम को डिवाइड किया 5 आ गया, तो इसको 20 करना है, तो 4 5 20 होता है, 2 की पावर 5 हो जाएगा। 5th रूट ऑफ 3 है, इसको भी 20 किया, तो 5 4 20 होता है, 3 का 4 हो जाएगा। 10th है 10 2 20, तो अब सेम तरीके से ये सारा निकल गया, अब इसमें आपसे जो पूछा गया, अगर आपसे पूछा गया है ग्रेटेस्ट तो ग्रेटेस्ट लिख दो, आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट लिख दो, जैसा क्वेश्चन पूछा गया आप उसका यूज कर सकते हो। चलो इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में आप देखोगे कि जैसे ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी काफी ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है, चलो चेक करते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पूछा भी गया, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे बीबीए है, क्लाइड्स है, शैट्स है, किसी भी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या कह रहा है 1.5x = 0.04 है, तो बताइए इसकी वैल्यू, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या कहता है कि 1.5x = 0.04, अगर हम इसमें ये लिख दे एक्स अपॉन वाई क्या आ जाएगा 0.04 और ये आ जाएगा 1.5, बताइए चला कि ऊपर वाला x है नीचे वाला y, यहाँ भी आप इसका ट्रिक यूज कर सकते हो, या इसको आप कैंसिल करोगे तो कैंसिल भी कर सकते हो, जैसे ये पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा दो, सेम आ गया, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो क्या मिलेगा 4 अपॉन में 150, तो 2 से काट दो, 2 से काटोगे ये आ जाएगा 75, x 2 है y 75 है, पहला है y माइनस x, आपको बोला है y मुझवानी क्वेश्चन है ये y माइनस x, तो y आपका 75 है और x आपका 2 है, यहाँ y प्लस x है, ये 75 प्लस 2 है, तो क्या मिल जाएगा 73 अपॉन 77, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो, तो तुम्हारे एग्जाम में वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसी न किसी एग्जाम में पहले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, जैसे आप देखिए ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था, 2012 के अंदर सेम क्वेश्चन पूछा है, स्टाइल चेंज है यानी नंबर चेंज है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखोगे एलसीएम एससीएफ का इससे पहले हमने वीडियो बना रखा है, एलसीएम एससीएफ के अंदर 2 या 3 लेक्चर होंगे, आप उनको देख सकते हो, और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने नहीं देखा उसको ये क्वेश्चन से भी क्लियर हो जाएगा एलसीएम एससीएफ के क्वेश्चन, तो चलो ध्यान दो एलसीएम एससीएफ के लिए क्या कह रहा है फाइंड एचसीएफ, तो आप जानते हैं हमने बताया था इसमें कि कभी भी आपसे पूछा जाए एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन का आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो क्या समझाया था कि जो एल एचसीएफ लेना आपको एचसीएफ ऑफ न्यूमिरेटर, यानी जो ऊपर वाला है उसका तो आप एचसीएफ लोगे, एंड क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, LCM of denoter, यानी कि अंश का SCF लेना और हर का denoter, ऊपर वाले का SCF लो, नीचे वाले का LCM, अगर आपसे LCM पूछा जाता है fraction का, तो ऊपर LCM लो और नीचे SCF लो, तो आप चेक करोगे यहाँ 5 15 25 है, यानी कि आपको ये बताना है कि HCF of 5 है 15 है और 25, और नीचे बताना है आपको LCM of किसका 6 है 8 है 32,
तो हर बच्चा जानता है 5, 15, 25 का अगर आप SCF निकालोगे, तो जो नए बच्चे हो दोबारा देख लो, SCF का मतलब होता है फैक्टर। कई तरह से हम निकालते हैं, सिंपल तरीका है कि है SCF निकालने का, कि 5 को वैसे हम डायरेक्ट बताएंगे लेकिन हमें इसलिए समझाना पड़ रहा है, कई ऐसे बच्चे होंगे जो हमारे SCF LCM वाले लेक्चर को अभी नहीं देखा है, इसके लिए हम क्लियर कर रहे हैं। 5 को आप लिख सकते हो 5 × 1, ये 15 है, इसको लिख सकते हो 5 × 3 और ये आपका 25 है, 5 × 5, तो तीनों में कॉमन क्या आ गया 5, तो आपका SCF क्या आ जाएगा 5। LCM की अगर बात करोगे 6 है, 8 है, 32। LCM के भी कई तरीके हैं, सिंपल तरीका यही है 2, 3, 6 है, 2, 4, 8 है और ये आपका 16 आ गया। अब आप इसको डायरेक्ट 4 से दे दो तो 3 से ये 1 है, ये 4 आ गया, तो ये आ जाएगा 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 4, 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 × 4 = क्या होता है 96, तो ये आ जाएगा 5/96, तो 5/96 आपका आंसर आ गया। लेकिन अब ये क्या दे रहा है, पॉइंट में आपको दे रहा है, जो इसका जवाब है वो पॉइंट में, तो अगर आप पॉइंट में इसका जवाब दोगे तो क्या जवाब आएगा, ध्यान दो। तो आपने देखा कि अगर इसे पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो 5 है तो सबसे पहले आप पॉइंट लगाओगे, ये 50 हो जाएगा, अभी भी ये कम है तो 0 लगाना पड़ेगा, अब ये 500 होगा, 500 होगा तो 5×9 = 45 होता है, 6×9 = 54 होता है, तो ये 9 किससे जाएगा, तो 5×9 = 45 होता है, यानी कि ये 9×5 जाएगा, यानी कि 5 से जाएगा, तो 5 वाला तुम्हारे पास जो नंबर है वो यही आ रहा है ए, तो आप देख लोगे कि ए वाला ही आपका राइट आंसर है, यह आ जाएगा 0.052 आंसर। वैसे इसका डी ऑप्शन भी चेक कर लो, अगर डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज होगा तो आपको पूरा पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखो डी ऑप्शन में क्या दे रहा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो हम तो डिटरमाइंड कर चुके हैं, तो आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हो।